जैसा कि आप जानते हैं, पहले पूसा संस्थान के अंदर जो सब्जियां पैदा होती हैं और जो दूसरे उत्पाद हैं उनकी बिक्री के लिए हम लोगों ने छोटा सा माल शुरू किया था जो कि पुराने थाने की जगह पे था। लेकिन ये सोच हमारी बहुत बड़ी थी और काफ़ी दिनों से माननीय कृषि मंत्री जी ये चाहते थे कि पूसा संस्थान में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर जितने किसान उत्पादक संगठन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, महिलाओं का संगठन है, किसान हैं, वो अपने उत्पाद को ले आ करके और यहाँ पर दिल्ली वासियों को उपलब्ध करा सकें। तो इस उद्देश्य से ये पूसा कृषि हाट का निर्माण किया गया है और इसमें कुल 60 दुकानें हैं और इन 60 दुकानों में से 50 दुकानें आवंटित हो चुकी हैं। करीब 25 के आसपास लोग इसमें आ गए हैं और मुख्य रूप से इसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, किसानों का समूह है, वो लोग अपने गांव में घर में जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, दलिया हो, मिलेट से आधारित जितने उत्पाद हैं, या खांड है, गुड़ है, राब है, इस तरह की चीज़ें जो हम आम तौर पे आप जब जाएंगे बड़ी बड़ी दुकानों में दिल्ली में, फाइव इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगी और वहाँ पे दाम जो है 3 गुना 4 गुना दाम मिलता है। उसी शुद्धता और गुणवत्ता के साथ ये उत्पाद हमारे जितने दुकानदार हैं वो ले आकर के यहाँ पर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें बिल्कुल प्राइमरी प्रोसेसिंग की गई है, कोई केमिकल या सिंथेटिक प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ हम यह भी सोच रखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो किसान सब्जी उत्पादक हैं उनको हम एक मौका दें और अपना वो एक संगठन बना करके जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, जैविक सब्जियां हैं, अपने खेतों में पैदा कर रहे हैं, उसको ले आ करके और यहां पर हाट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि हफ्ते में अगर हम 2 दिन भी वो दुकान रखते हैं और दिल्ली वासियों को पता है तो उन 2 दिन आ करके ताज़ी सब्जियां ले आ करके 1 हफ्ते के लिए भंडारण कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, किसी तरह का उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होगा और इस चीज़ को हम व्यवस्थित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यहाँ से जो उत्पाद ऑर्गेनिक करके बेचे जा रहे हैं वो वास्तव में ऑर्गेनिक हैं, उनका जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेशन होगा और जो दूसरी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको भी हम अपनाएंगे। तो आप देखिए, हमारे एक तो पहली बात की जो प्रोसेस्ड फूड आता है उसके बारे में हमें वास्तव में जानकारी नहीं होती कि किस तरह से इसको प्रोसेस किया गया है और क्या क्या इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जितने उत्पाद आ रहे हैं वो तकरीबन प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोसेसिंग, उससे ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई। जैसे चावल है तो बासमती चावल अभी मैं किसी दुकान पर देख रहा था तो गांव की मिल से ही मिलिंग करा के लाए हैं। मिलिंग जब इस बार अभी सरकार ने नियम भी शोधित किया है उसमें कहा है कि चावल में किसी तरह का सिंथेटिक एरोमा नहीं मिलाया जाएगा बासमती चावल में, पॉलिशिंग के लिए कोई सिंथेटिक केमिकल या टेलकम पाउडर वगैरह इस तरह चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब प्राइमरी प्रोसेसिंग हम करते हैं तो इन सब चीज़ों को तो करते ही नहीं हैं और इसके अलावे जब मिलिंग या पॉलिशिंग कम होती है तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छी होती है। ऑर्गेनिक ढंग से पैदा किया गया है तो किसी भी रासायनिक दवाओं का अवशेष उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो या दूसरे उत्पाद हों जिसको हम यहाँ पर बिक्री के लिए रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 60 दुकानें हैं और एक दुकान करीब 5 मीटर बाई 5 मीटर की दुकान है। इसमें सेल्फ बने हुए हैं, सारे जितने उत्पाद हैं उनको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अलग से रैक की भी व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है और पूरे परिसर में अच्छी तरह से जो है शौचालय व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया था, 3 बार हमने अखबारों में भी ज्ञापन दिया था, IRI के वेबसाइट के ऊपर किया था कि जो लोग इच्छुक हैं दुकान लेने के लिए वो कृपया हमसे संपर्क करें। तो पहली बार तो रिस्पॉन्स थोड़ा कम आया था, हमने दोबारा किया तो इस तरह से करते करते करीब 60 दुकानों में से अभी तक हम 50 दुकानें आवंटित कर पाए हैं और इन दुकानों के आवंटित करने का भी जो प्रक्रिया है वो भी हमने इस तरह से अपनाया है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं दिल्ली हाट में प्रीतमपुरा है या आपका जो है INA मार्केट है या जनकपुरी का दिल्ली हाट है तो वहाँ पर दुकानें जो दी जाती हैं वो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए दी जाती हैं, फिर इसके बाद उनका चक्र चलता रहता है। तो उसी प्रक्रिया के आधार पर हम यहाँ पर आवंटन करेंगे और अभी हम रिस्पांस लोगों का देख रहे हैं, जैसे जैसे रिस्पांस अच्छा आता जाएगा वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक और हमने इसमें सोच रखी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, जैसा कि आप जानते हैं, करीब 113 संस्थान हैं और हर संस्थान किसी न किसी उत्पाद के लिए
विशेष के लिए जाना जाता है। जैसे हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पनीर बनाया जाता है, वहाँ पे घी बनाया जाता है, वहाँ पे जो है पिन्नी बहुत फेमस है, वहाँ की कलाकंद बहुत फेमस है। तो इस तरह के उत्पाद अगर दिल्ली में लोगों को मिलना है तो करनाल लोग नहीं जाएंगे लेने के लिए, करनाल के निवासी इसका पूरा फायदा उठाते हैं, रोज वहाँ पर शाम को भीड़ और सुबह भीड़ लगती है। तो ऐसे ICR के जितने संस्थान हैं उन सभी संस्थान को अलग से हम 10 दुकानें आवंटित करेंगे और हर संस्थान स्पेसिफिक जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को ले आकर यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा और उनके बेचने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दिल्ली वासियों को पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान हैं उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पादों को उनका स्वाद चखने का, उनका अनुभव करने का एक मौका मिले।